हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकलेशियस। आज मैं आपको भिंडी और मटर की भाजी की रेसिपी बता रही हूँ। उसके लिए क्या क्या सामग्री आपको चाहिए आप देख लीजिए। भिंडी और मटर की सब्जी के लिए ये मैंने 1/2 किलो भिंडी ली है और आधा कटोरी मैंने हरी मटर छील के रख ली है। सबसे पहले भिंडी को धो के साफ करके बारीक काट के रख लेंगे। ये मैंने भिंडी को पीसेस में कट कर लिया है और मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है जिसको मैंने बारीक काट के रख लिया है और मैंने एक टमाटर लिया है जिसको बारीक काट लिया है। 15 से 20 लहसुन की कलियां ली हैं जिसको मैंने कूट के क्रश करके रख लिया है। 8 से 10 कड़ी पत्ता लिया है। 3 हरी मिर्ची ली है जिसको मैंने बड़ा बड़ा पीस में काट के रख लिया है। और मसाला के लिए 1/4 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1/4 चम्मच मिर्ची पाउडर है क्योंकि हमने हरा मिर्ची भी डाला है। अगर आप तेज खाते हैं तो आप लाल मिर्ची का क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। और आधा चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है और नमक टेस्ट के अनुसार ले लेंगे। एक कढ़ाई में मैंने 1.5 चम्मच तेल डाल दिया है और सबसे पहले लहसुन इसमें डालेंगे और लहसुन को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, सिर्फ कच्चापन उसका दूर होना चाहिए, उतना ही हमको फ्राई करना है। हरी मिर्ची डाल देंगे हो गया है। अभी कांदा डाल देंगे, इसको भी फ्राई कर लेंगे। इसको हल्का फ्राई करना है कांदा को। अभी इसमें हम हरी मटर डाल देंगे। मटर तो बहुत जल्दी पक जाती है, फटाफट पक जाएगी। अभी इसमें टमाटर डाल देंगे 2 मिनट में। अभी टमाटर डाल देंगे। और कड़ी पत्ता डालेंगे। तो टमाटर थोड़ा फ्राई हो गया है, अब इसमें भिंडी जो हमने काट के रखी है वो डाल देंगे। इसको ऐसे ही रख के 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे, बाद में मसाला ऐड करेंगे इसमें। देखिए 2 मिनट हुआ है और हमारे भिंडी थोड़ी सी पक गई है। अब इसमें मसाले ऐड कर देंगे। और मिक्स कर देंगे। भिंडी जल्दी बन जाती है। इसको 1 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे, फिर चेक करेंगे। अगर कच्ची रहेगी तो और थोड़ा देर पकाएंगे ढक के।
और नमक चेक कर लेंगे। देखिए 1 मिनट हुआ है, मैंने ढक के पकाया है इसको और एकदम से हमारी भिंडी पक गई है एकदम अच्छे से। और अभी इसको हरा धनिया डाल के गार्निश कर देंगे। इसको सर्विंग प्लेट में निकालते हैं। ये देखिए हमारी भिंडी और मटर की भाजी बनके एकदम तैयार हो गई है। गर्मा गर्म आप इसको रोटी के साथ में एंजॉय कर सकते हैं, राइस के साथ में साइड डिश की तरह खा सकते हैं। बहुत टेस्टी बनी है ये कॉम्बिनेशन, मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए मेरे को लगा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। आप इसको इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा ये कॉम्बिनेशन। और बहुत ईजी भी है बनाने के लिए और बहुत जल्दी बन जाती है भाजी, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। भिंडी और मटर की भाजी की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।